नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। प्रोग्राम आप लोग कब से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं करीब 25 साल से, लेकिन इसके पहले हमारे ये 78 वर्ष चल रहा है। इसके पहले हमारे पूर्वज लोग थे जो यहाँ का सब कोई वो लोग कर रहे थे। अब 25 साल से हम लोग अभी युवा मंच जो है वो हम लोग कर रहे हैं। प्रोग्राम में क्या क्या होता है आपका? प्रोग्राम में हम लोग का जागरण होता है, कीर्तन होता है, भजन होता है, और नाना रकम का जैसे वस्त्र दान का भी प्रोग्राम है। ये सब हम लोग अपना प्रोग्राम में करते हैं, और सब सहयोग हमारे ये दादा हैं, देवूदा हैं, कालिया हैं, जुगनू हैं, ये हमारे सेक्रेटरी हैं, ये भी हम भी सेक्रेटरी हैं। सब हम लोग मिल के, पूरे बस्ती के लोग हम लोग मिल के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा, ये कहाँ से निकले, कहाँ ख़त्म होता है? ये रथ आपका मोहन सिंह डंगाल से निकलती है और ये जाएगी रानी तालाब मोड़। रानी तालाब से फिर हनुमान चढ़ाई, जो गुरुद्वारा बोला जाता है, हनुमान जी का मंदिर भी है, वहाँ से फिर वापस हनुमान चढ़ाई से मोहन सिंह नंगाल आती है। इसमें कम से कम हजारों हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी है आपके सामने। ये हमारे बोरो चेयरमैन साहब भी आ गए हैं, ये हमारे कृष्णा प्रसाद जी, इनका बहुत योगदान रहता है हमारे बस्ती के प्रति, हमेशा हम लोग का काम करते हैं। पहले से भी सोशल वर्कर रह चुके हैं, आज ये बोरो चेयरमैन हुए, लेकिन सोशल वर्कर तो बहुत दिन से ही है, तो हम लोग भी देख रहे हैं। आप तो काउंसिलर है, आज आपके वार्ड में बहुत बड़ा रथ उत्सव निकल रहा है, मैंने कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा, इसमें आप लोग करते क्या हो? आज के प्रोग्राम में क्या क्या आपका? आज प्रोग्राम हम लोग यहाँ से रथ यात्रा निकालेंगे, यहाँ से लेके हम लोग रानी तालाब पहले जाएंगे, रानी तालाब से बैक करके हम लोग हनुमान चढ़ाई जाएंगे, हनुमान चढ़ाई से फिर वापस अपने ही आएंगे। उड़ीसा से बढ़िया बाजा हम लोग मंगाए हैं। ये जो प्रोग्राम और इसमें कोई मैसेज देना चाहेंगे आप देशवासियों? मैसेज मतलब ये हम लोग का भाईचारा का नाता है, इसमें हम लोग सभी समुदाय के लोग हैं, इसमें कोई भेदभाव वाला ऐसा कोई बात नहीं होता, हम लोग सब समुदाय के लोग मिलके हर प्रोग्राम को। कहाँ कहाँ के लोग पार्टिसिपेट करते हैं प्रोग्राम में? कहाँ कहाँ के लोग शामिल होते हैं प्रोग्राम में? पाली में कहाँ कहाँ के लोग आते हैं? यहाँ से सब तरह के लोग आते हैं, पूरे अपने वार्ड के आते हैं, अदर वार्ड के भी लोग आते हैं। आपका वार्ड नंबर कितना? हमका वार्ड नंबर 64 है। काउंसिलर होना? काउंसिलर कृष्णा प्रसाद दास। আজকে যেটা একটা প্রোগ্রাম রথযাত্রা কি কি হচ্ছে হবে আজকে? আমাদের প্রোগ্রাম প্রথম কথা, আমাদের এখান থেকে রথযাত্রা যে অনুষ্ঠান, আমরা জগন্নাথ দেবকে নিয়ে বেরোবো, আমরা রানীতলা পর্যন্ত এদিকে যাব, আর রানীতলা থেকে এসে আমরা বড়াকর হনুমান চড়াই পর্যন্ত যাই, তারপর আমরা রিটার্ন আসবো।
সবচেয়ে বড় কথা আমাদের এখানে যে এই গোটা এরিয়া ওটি সবচেয়ে পুরনো এবং গোটা এরিয়াকে নিয়ে আমাদের এই যে একটা ঐক্যবদ্ধ আমরা যে সকলকে নিয়ে আমরা এগোনো যেতে পারে আজকের দিনেও সেটা হচ্ছে আমাদের মোহন সিং ডাঙ্গালের রথযাত্রা 78 বছর এটা হচ্ছে আমাদের বড় বৈশিষ্ট্য। আমি সকল তো আমাদের মোহন সিং ডাঙ্গাল রথযাত্রা কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদের এবং উপস্থিত সকলকে আমাদের রথযাত্রার শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি। বৃন্দাবন সে মহারাজ জি আর নারিয়েল আচ্ছা আমাদের এই যে পুরোহিত মানে আমরা আমাদের ইয়ং জেনারেশন জবে থেকে টানছি গণেশদা আমাদের সঙ্গে আছেন আর মানে ওনার ইয়ে ডেলি 365 দিন ওনার যোগদান আমাদের ভীষণ ভালো লাগে কার্যকরী বৃন্দাবন আর thank you.
আর রথ কে সামনে তো থাড়া ভিড় হতা তো आज भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है और सौभाग्य से ये अवसर मिला इस यात्रा में शामिल होने के लिए। अभी भागवत कथा हम पूर्ण किए थे और भागवत कथा पूर्ण होने के बाद में आज भगवान की रथ यात्रा में शामिल होने का अवसर मिला है और 9 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी है। ये आयोजन कहाँ पे हो रहा है? ये कुल्टी में थाना मोड़ मैदान में। कितना दिन का प्रोग्राम है? ये 7 दिन का प्रोग्राम है और ये गुरु पूर्णिमा। अच्छा, और इस प्रोग्राम में कौन कौन लोग आ रहे हैं? इसमें अधिक से अधिक संख्या में भक्तजन पधारेंगे। अच्छा, जो भागवत कथा होगी इसमें और ये जो बाबा कथा होगी इसका टाइमिंग क्या होंगे? ये शाम को 3 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। आप तो बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं, आज आपके साथ में जो बाबा आए हैं उनका थोड़ा परिचय दे देना विस्तार से। ये बाबा श्री यशोदानंदन जी महाराज वृंदावन के रहने वाले हैं। ये श्याम भारत यात्रा के तहत जो है संपूर्ण भारत में भ्रमण कर रहे हैं। हाल ही में इनकी बराकर में 397वीं भागवत कथा अनुष्ठित हुई जिसमें बराकर के सभी श्रद्धालुओं ने भाग लिया। काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने उस कथा का श्रवण कर अपना पुण्य लाभ लिया। अब आगामी 9 तारीख से कुलटी थाना संलग्न मैदान में कथा का आयोजन किया जाएगा। 9 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर पर इनका समापन होगा और उस दिन अंतिम दिन भंडारा भी होगा। प्रतिदिन कथा शाम को 3 बजे से शुरू होकर शाम को 7 बजे तक चलेगी। कहाँ कहाँ के लोग पार्टिसिपेट करते हैं? मैंने इसमें आसपास के क्षेत्र के बराकर, चिरगुंडा, निरसा, आसनसोल, न्यामतपुर और कुलटी आसपास के समस्त क्षेत्र के लोग, जितने धर्म प्रेमी लोग हैं, सब इसमें सम्मिलित होते हैं। ये पूर्ण रूप से एक धार्मिक आयोजन है और भगवान परीक्षित को जिसमें श्राप मिला था उनके माने उसके मोक्ष के लिए सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी उसका वर्णन इसमें किया जाता है 7 दिनों तक।